रूस के साथ युद्ध में शामिल यूक्रेन के सहयोगी नेटो देश काफी कंफ्यूज लगते हैं। नेटो देशों की तरफ से अलग अलग समय में अलग अलग बयान आते हैं और यही वजह है कि यूक्रेन की मदद में नेटो देशों का मजबूत सहयोग नहीं दिखता, जिसका खामियाजा यूक्रेन भुगत रहा है और रूस इस अवसर का फायदा उठा रहा है। दरअसल नेटो देश न तो खुलकर यूक्रेन की मदद के लिए लामबंद हो रहे हैं और न ही मदद से पीछे हटने की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन समय समय पर वो दबी जुबान में यूक्रेन की मदद से पीछे हटने की अपनी मजबूरियां गिनाते रहते हैं। जर्मनी और पोलैंड के बाद अब एक अन्य नेटो देश हंगरी ने यूक्रेन की मदद का विरोध किया है। नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग द्वारा यूक्रेन के लिए शुरू की गई 5 साल की फंडिंग रणनीति के विरोध में हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिजार्टो ने कहा कि हंगरी यूक्रेन को वित्त पोषित करने की 100 अरब डॉलर की पंचवर्षीय नेटो योजना का विरोध कर रहा है। मंत्री ने ये बात पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक के लिए जाने से पहले गुरुवार को कही। दरअसल इस सप्ताह की शुरुआत में मंगलवार को महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने नेटो के सदस्य देशों को 100 अरब डॉलर जुटाने का प्रस्ताव पेश किया। नेटो ने इस फंड को युद्ध पर खर्च करने की योजना बनाई है। अब यह धन 5 वर्षों में इकट्ठा किया जाना है, तो इसका एक मतलब और निकाला जा रहा है कि कहीं ना कहीं नेटो को 5 साल तक युद्ध या शत्रुता की उम्मीद है। इस पर सिजार्टो का कहना है कि हंगरी इस पहल का विरोध करेगा और यूक्रेन को हथियार देने या उसके सैनिकों को ट्रेनिंग देने में शामिल नहीं होगा। सिजार्टो की माने तो ये अभी बातचीत का विषय है और आने वाले हफ्तों में बातचीत के दौरान हंगरी इस पागलपन से दूर रहने और 100 अरब डॉलर इकट्ठा करने और नए यूरोप से बाहर ले जाने के अधिकार के लिए लड़ेगा। सिजार्टो ने बताया कि हंगरी किसी भी चीज से पहले अपने लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और युद्ध से बाहर रहने की पूरी कोशिश करेगा। हंगरी की राय यह है कि युद्ध को केवल बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। सिजार्टो ने यह भी आग्रह किया कि यूरोप में युद्ध के इस पागलपन को रोका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम नए विश्व युद्ध के खतरे और परमाणु युद्ध की तैयारियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हंगरी ने नेटो में यूक्रेन को शामिल किए जाने का भी सार्वजनिक रूप से विरोध किया है, जबकि नेटो में शामिल होना लंबे समय से यूक्रेनी नेतृत्व के प्रमुख लक्ष्यों में से एक रहा है। युद्ध के मैदान में पहले से ही कमजोर हो चुके यूक्रेन के लिए हंगरी का फैसला उसे और निराश करने वाला है। हालांकि उसे हाल ही में अमेरिकी मदद की मंजूरी मिल गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि यूक्रेन उस मदद के भरोसे कब तक रूस का मुकाबला कर पाएगा, क्योंकि यूक्रेन को सैन्य हथियारों के साथ ही सैनिकों की भी भारी जरूरत है।